दोस्तों, हमारे दिन भर में कई सारे एलिमेंट्स यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड यूज होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे पांच जानलेवा एलिमेंट्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, एल्यूमिनियम। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एल्यूमिनियम, जो कि बहुत सस्ता है और घर घर में यूज होता है, असल में ये आपके लिए कितना जानलेवा है। एल्यूमिनियम से आपको अल्जाइमर, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आखिर इन बीमारियों में होता क्या है और आखिर इनके सिम्टम्स क्या हैं। डिप्रेशन, आपका दिल बहुत अपसेट हो जाता है, आप खुद से इतना दुखी हो जाते हो कि आपका जी करता है कि मर जाऊं। अपैथी, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप हमेशा लेजी और थके हुए से रहते हो। सोशल विड्रॉल, तुम्हें लोगों से घुल मिल कर रहना अच्छा नहीं लगता और तुम अकेले ही रहने लगते हो। मूड स्विंग, आपका मन हमेशा बदलता रहता है, मतलब कभी खुशी तो कभी गम। ये सारी हैबिट एक एक कर आपके अंदर आने लगती हैं। दोस्तों, आपने बीमारियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन आखिर हमें एल्यूमिनियम से इतनी सारी बीमारियां कैसे हो सकती हैं, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में कुछ पकाते या बनाते हैं, एल्यूमिनियम के गर्म होने पर वह कुछ पार्टिकल्स को लूज करता है और तब इसके पार्टिकल्स हमारे खाने में मिलकर बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब कुछ जीनियस माइंड ये कहेंगे कि हमारी बॉडी को इन सभी मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन जब हमारी बॉडी की लिमिट से ज्यादा ये मिनरल्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमें ऐसी घातक बीमारियां दिखाई देती हैं। बहुत सी कंट्रीज में तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को बैन किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था, जहां पर एक साल के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी को उबाला गया था। जब शुरुआत में उसका वजन नापा तो एक साल बाद नापे हुए वजन में 22 ग्राम का फर्क आया। तो आखिर ये 22 ग्राम एल्यूमिनियम गया कहाँ? दोस्तों, वो 22 ग्राम एल्यूमिनियम और कहीं नहीं बल्कि पानी में डिजोल्व होकर हमारे बॉडी में चला जाता है, जिसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा होने के कारण हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर टू, लेड। दोस्तों, इस मेटल लेड को कई भाषाओं में शीशा भी कहा जाता है। इस मेटल की वजह से आप और हम सब की फेवरेट नूडल्स मैगी को भी बैन किया गया था। मैगी के अंदर लेड की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने के कारण इसे बैन किया गया था। दोस्तों, आपको इन एलिमेंट्स से ज्यादा उन प्रोडक्ट से डरना चाहिए जिन प्रोडक्ट्स में इन एलिमेंट्स की मात्रा हद से ज्यादा यूज होती है और जो प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन किसी भी तरह एक खराब प्रोडक्ट के जरिए ये लेड आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा एंटर हो गया तो आपको किस तरह की बीमारियां इस एलिमेंट से हो सकती हैं? तो आइए अब जानते हैं कि आपको लेड से किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, लेड से आपको एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें आपकी बॉडी में आपके रेड ब्लड सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको वीकनेस फील होती है। वह साथ ही साथ लेड से आपको ब्रेन और किडनी डैमेज जैसी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे थर्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज करना बंद कीजिए, इसी से आप बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर थ्री, रेडियम। इस एलिमेंट के बारे में लगभग हर एक इंसान को पता होता है। इस एलिमेंट की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अंधेरे में ग्लो करता है। ये उजाले में लाइट के फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करके अंधेरे में एनर्जी को रिलीज कर देता है, इसलिए यह ग्लो करता है। वैसे तो रेडियम कोई घातक एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चला जाए तो ये हमें हानि पहुंचा सकता है। जिस महान केमिस्ट मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था, उनकी मौत भी रेडियम की वजह से ही हुई थी। लेकिन आइए अब जानते हैं कि रेडियम की वजह से हमारे बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी आपको इसकी वजह से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। वह हमारी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अंधेरे में ग्लो करता है, इसलिए इसे रात के वक्त क्लॉक्स और ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज किया जाता है। नंबर फोर्थ, मर्क्यूरी। वैसे तो कई देशों में मर्क्यूरी को बैन किया गया है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल यूज में मर्क्यूरी को कई जगह पर यूज किया जाता है। दोस्तों, मर्क्यूरी को हिंदी में पारा भी कहा जाता है और ये पारा पुराने थर्मामीटर में यूज होता था, लेकिन अब मर्क्यूरी के डर के कारण 150 से भी ज्यादा देशों ने मर्क्यूरी के थर्मामीटर्स को बैन कर दिया है। दोस्तों, क्या होगा कि वह थर्मामीटर टूट जाए और उसके अंदर का मर्क्यूरी आपके शरीर में चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको सबसे पहले पेट व आंखों में दर्द होगा।
धीरे धीरे इसका असर दिमाग और किडनी पर भी दिखाई देगा। इसकी मात्रा अगर ज्यादा हुई तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको इससे बचना है तो थर्मामीटर टूट जाने पर मर्क्यूरी को बिना टच करे उसे पानी में डाल दें। मर्क्यूरी पानी से 3 गुना ज्यादा डेंस होता है, यानी 1 लीटर मर्क्यूरी का वजन 45 किलोग्राम होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इंडस्ट्रीज जहां पर मर्क्यूरी का यूज होता है, वह अपने केमिकल वेस्ट को सीवर रिवर्स में फेंक देते हैं, जिससे समुद्री जीव यानी मछलियों के अंदर भी मर्क्यूरी की कुछ मात्रा मिलने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को ऐसा करने के लिए सख्त मना किया है। सिर्फ आयरन ही एक ऐसा पदार्थ है जो मर्क्यूरी पर तैरता है, यानी यह मर्क्यूरी से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मर्क्यूरी किसी अन्य पदार्थ जैसे एल्युमिनियम से रिएक्ट करे तो वह एल्युमिनियम को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इस रिएक्शन को अमेलगम रिएक्शन कहते हैं। एरोप्लेन्स की बॉडी भी एल्युमिनियम की बनी होती है, इसलिए एरोप्लेन्स में मर्क्यूरी को ले जाना मना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल साइफ़ टीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ।